देखो यार, ये ऐसी बाइक है जो इसने मुझे कभी धोखा वगैरह नहीं दिया, जो आप लोगों को अभी सामने में दिखा रहा हूँ। बस यही बाइक है जो मेरे पास अक्सर होती रहती है। आप लोगों को बताया भाई, काफी टाइम से इसको, 1 साल हो गया कम से कम। तो खैर, अभी मैं टिकटॉक यहाँ पे चला रहा था आप लोगों के सामने, इस हिसाब से चला रहा था कि मैं टाइम पास कर रहा था यहाँ पे। असल में मुझे जाना था डेहर की, वो डेहर की आप लोग बताते हैं भाई, सब्र करें थोड़ा, मैं किस हिसाब से यहाँ से जा रहा हूँ। सफर तो सफर है, आप लोगों को बताइए, कभी मुकता ही नहीं, ये मुकने वाली चीज ही नहीं है। तकरीबन मुझे इस महीने तक कभी गंबट, कभी कहाँ कभी कहाँ, तो कभी सखर कभी लाड़कना। यार असल से कसम से, जब हम बचपन में सोचते थे हम उन्हें फिर एंजॉय करें, जब बड़े हो चुके इतने काम, कभी कहाँ कभी कौन सा सिटी, कभी कौन सा सिटी, वो भी बाइक पे। तो यार ये फटे मुकने वाले नहीं है। तो ये वही है टूल प्लस, जो सबसे पहले आप लोगों को वेलकम करते हैं, और वेलकम करने के हिसाब से आप लोगों को टैक्स वगैरह वो भी लेते हैं। टैक्स मेरे ख्याल से तकरीबन कार की जो है वो 30 रुपए, और जो LTV वगैरह टाला वगैरह होता है जैसे ट्रैक्टर वगैरह, उसकी मेरे ख्याल से 120 रुपए। सबसे पहले आप लोगों को ये वेलकम करेंगे, वेलकम इस हिसाब से करेंगे आप लोगों के सामने डंडा देंगे। रमजान शरीफ आप लोग ख्याल करें, वो डंडा नहीं जो आप लोग सोच रहे हैं, वो डंडा नहीं, ये डंडा वो रोकने वाला डंडा होता है। यार क्या सोचते हैं आप लोगों की सोच खराब है मेरे ख्याल से। तो ये चेक करें, टूल टैक्स अदा करने का शुक्रिया। क्या हमने तो टूल टैक्स दिया ही नहीं है। वैसे यार एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि टूल टैक्स जो होता है ना वो बड़ी गाड़ियों के होता है, जो बाइक्स वगैरह होती है ना इनकी नहीं होती, तो इनका बस फ्री होता है। तो और जो इलाके वाले होते हैं ना, इलाके वाले जो लोग यहाँ पे रहते हैं और उबाड़ों के नजदीक वगैरह जैसे ढेर की हो गया, तो वो उनका टूल टैक्स होता है फ्री। जैसे आप लोग CNSC दिखाएंगे ना, आप लोगों का फ्री होगा। यार असल में ऐसे वैसे फ्री नहीं होगा यार, वो यार आप लोग समझ नहीं रहे यार। वो मैं ऐसे कह रहा था कि यहाँ पे जो नजदीक रहने वाले होते हैं जैसे उबाड़ वगैरह में रहते हैं, ऐसे आप लोग कहें यार वहीद मिर्जा ने बोला था टैक्स वगैरह ना लो, यार लेते हैं, लेकिन वो अपने इलाके अपने सिटी में जो रहते हैं उनकी नहीं लेते। यार असल में हमें लेना था ऑयल ट्रैक्टर का, क्योंकि नजदीक सीजन आ रहा है, तो इस हिसाब से हमने सोचा ऑयल वगैरह वो भी पकड़ते हैं। तो बाबा की टेस्ट वगैरह करवानी थी यहाँ पे आगा यूनिवर्सिटी की, तो मैंने वहाँ पे वीडियो वगैरह नहीं बनाई क्योंकि वहाँ पे अलो नहीं होती यार, वो फड्डे, वो मुझे बता रहे थे आप ब्लॉगर आप वीडियो यहाँ पे नहीं बना रहे आप मुझसे पहले। यार असल में आप लोगों में अभी समझाता हूँ, उन्होंने कहा जिससे मैं गेट वगैरह से अंदर एंटर हुआ उनको हाथ वगैरह दिया, और हाथ वगैरह देने के बाद उन्होंने कहा यार वही मिलता हूँ ब्लॉगर, हाँ अच्छा वीडियो यहाँ पे वगैरह नहीं बनाना, वीडियो यहाँ पे अलो नहीं है, वो मुझे बस मोबाइल में निकाल रहा था, ऐसे मैंने SMS वगैरह रीड करूं। यार उन्होंने कहा कि यहाँ पे कैमरा वगैरह अलो नहीं। यार मैंने कहा यार मैं व्लॉग नहीं बना रहा, मैं ऐसे वीडियो वगैरह नहीं शूट कर रहा, मैंने कहा यार मैं मैसेज वगैरह रीड कर रहा हूँ। यार क्या हो गया यार, बस असल में यार मेरी फील्ड हो तो इस हिसाब से आप लोग पता है मेरी फील्ड है ना वो फड्डे वाली है, थोड़ी थोड़ी व्लॉगिंग भी करता हूं, लेकिन रोस्टिंग भी करता हूं कभी कभी। यार कसम से आप लोग सामने अभी कुछ कुछ शरीफ हो गया क्योंकि रमजान आ गया ना, रमजान का भाई एहतराम तो करना है। आप लोग बताया कि रमजान होता है, एक मुहर्रम अल हराम होता है, बाकी आप लोग समझदार है आप लोग।